तंगी और बदहाली से जूझ रहे भोपाल नगर निगम के अधिकारियों का एक और कारनामा सामने आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग मदों और राजस्व वसूली के बाद भी जिम्मेदारों ने राशि को निगम राजस्व में जमा नहीं कराई। यह राशि भी जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की है और रकम भी 20-25 लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने लेखा वित्त की वार्षिक रिपोर्ट मांगी। साथ ही पाया कि रिपोर्ट के नाम पर ही धांधली की जा रही। निगम शाखाओं के 30 अलग अलग मदों से जनता से की जाने वाली वर्तमान वसूली और रिकवरी को जमा नहीं कराया गया, न ही लेखा वित्त ऑडिट में समायोजन किया गया। मामले पर महापौर मालती राय ने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को समस्या नहीं बल्कि समाधान के लिए काम करना चाहिए। ऑडिट क्यों, कब से, किस कारण नहीं किया गया, यह अफसरों का मामला है। उन्होंने मामले की जानकारी लेने के साथ लीगल एक्शन की अब बात भी कही है। हमने हजारों अनियमितताएं पाई, ऐसे सभी विभाग जहां पर से रिकवरी हुई लेकिन वो नगर निगम के कोष में जमा नहीं हुई, वो सीधे अधिकारियों कर्मचारियों की जेब के अंदर गए, जो है जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये अधिकारियों की चिंता है। यदि हमको ऐसा लगता है कि वित्तीय विभाग को ऑडिट करवाना चाहिए और ऑडिट यदि वित्तीय विभाग में नहीं करवाया है तो उस पर हमको आरोप प्रत्यारोप की जगह जो भी लीगल एक्शन है वो हमें लेना चाहिए और अधिकारियों का मामला अधिकारियों पर छोड़ना चाहिए।